अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आजाद चायवाला और मैंने आपसे एक सवाल पूछना है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में नंबर वन वजह क्या है कि नए बिजनेसेस बंद हो जाते हैं विद इन वन ईयर? समझते हैं कि एक साल के अंदर अंदर नए जो बिजनेसेस हैं वो क्यों बंद होते हैं, उसकी नंबर वन वजह क्या है? मैं बताऊं आपको, उधार। और अगर आपने कहा था उधार, देन अपने को एक टापरा दीजिए, बिकॉज लुक यू गॉट द राइट आंसर। एनीवे, उधार, और वो उधार जो हम जिससे शर्माते हैं, किसी को बोलते हैं ओए नहीं मैंने उधार नहीं देना, बस कोई होती है या हमें ना बिजनेस हमने किया नहीं होता, और खास तौर पे जो बिजनेसमैन नहीं होते, ठीक है, मैं मुझे 20 साल हो चुके हैं बिजनेस करते हुए, मैंने उधार नहीं दिया एंड आई डोंट गिव उधार। क्यों? बिकॉज क्या होता है कि बोलते हैं आपको जी गुस्सा गुस्सा के ना कानों में, जी आप इस बिजनेस में ना यहाँ पाकिस्तान यहाँ पे उधार नहीं देंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। यू नो, वो बाहर में जाए वो बिजनेस जिसमें आपको उधार देना है ना, आप यू आर रिस्किंग योरसेल्फ एंड आप अपने कंपेटिटर जो आपके वो मुहालिफ है बिजनेस वाला, जिसको पता नहीं कितना अर्सा हो गया बिजनेस में चलते हुए, अपने आप की जो पोजीशन है आप उसको वीक कर रहे हैं, आप उसको कमजोर कर रहे हैं। क्यों? एक चीज होती है फॉल्स इकोनॉमी। फॉल्स इकोनॉमी लाइक झूठा दलासा। हाँ, झूठा दलासा एक होता है जो बिजनेसमैन इस्तेमाल करते हैं। फर्जन एक दिन में आपकी 20,000 सेल होती है और 15,000 उसमें उधार है और 5,000 नगद है। वो जो 15,000 है ना, उसमें से 7,500 तो आप कतन भूल जाइए, वो तो गया, वो आपको कभी नहीं मिलना। जो बाकी 7,500 रह जाएगा, उसके लिए आपको किसी के मामे दादे अम्मा को ढूंढना पड़ेगा, किसी के मोहल्ले तक आपको किसी के पीछे करना पड़ेगा देखने के लिए कि यार ये है बंदा कि नहीं है, और जासूस लगाने पड़ेंगे, खोज लगाओ। और फिर जब आप उस बंदे को पकड़ भी लेंगे ना, तो उस बंदे ने बड़े वो नखरे से आपको पैसे देने हैं, या उसने बोलना जी ना भाई आएंगे ना, तनहा होएगी ना, फलां चीज बिकेगी ना, ये होएगा वो होएगा, फिर देंगे। और कुछ लोग इस हद तक भी जाएंगे कि ओए कौन सा पैसा मुझे दिया था, कोई सबूत है एक्सेट्रा। और ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है यार, यार तो नहीं बोलेंगे, दिखाने की जरूरत नहीं है, जब होएगा दे देंगे, वरना जाओ जो करना है तुम्हें। एंड लुक, आपको क्या करना, आपको अपना उधार लेने जाना है, किसी को खटखटाने जाना है, या आपने अपना बिजनेस चलाना है, आपने अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना है। और फिर एक और बात सुन लीजिए, वो जो 15,000 का उधार दिया था ना आपने, उसका आपने सामान दिया था उसकी वजह, लेकिन उसके बदले आपने जाहिर है सामान दिया था, वो सामान आपकी दुकान में नहीं है। अगर वो आपकी दुकान में होता, शायद अगर महीने बाद पैसे मिलते उस महीने में वो कितनी बार आप बेच सकते। यस, ट्रू, हकीकत है। लेकिन जो बंदा उस दिन सिर्फ 5,000 की सेल करता है और उस पर वो मुतमईन है, क्यों? बिजनेस ये नहीं कि पहले दिन मैं जाऊंगा और लाखों की सेल हो जाएगी। बिजनेस लॉन्ग टर्म चीज होती है, उसमें आपको एस्टैब्लिश करने अपने कस्टमर, और जो कस्टमर उधार लेता है ना वो अच्छा कस्टमर है ही नहीं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, जो नगद देता है ना, कम से कम उसकी आपको कदर होगी, यू विल टेक केयर ऑफ देम, और आपको पता है कि यार ये सामान दिया वो कैश ले ली। और ऊपर ये भी से याद रखिएगा कि आपको आगे, आई नो आप हमारे कल्चर चलता है आप भी उधार ले सकते हैं, लेकिन आप उधार कब तक लेते रहेंगे, क्योंकि आपको भी उस बंदे को देने, और जो थोक में देते हैं ना उनके हाथ जरा कानून से ज्यादा लंबे होते हैं, एंड दे कैन रियली मेस यू अप, वो आपका बड़ा कुछ बिगाड़ सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे सिंपल सा सोच है, लर्न टू से नो। क्योंकि वो आपने देखा होगा ना, वो जो लगे होते हैं पोस्टर वगैरह लगे होते हैं, जी आज नगद कल उधार, फिर कहते हैं जी उधार मांग के शर्मिंदा ना कीजिएगा, उनका फायदा उठाइए, बढ़ दीजिए अपनी दुकानें, बिकॉज दिस इज अ कल्चर वी नीड टू स्टार्ट। हमारे बड़े बड़े यू नो अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं बच्चों के, बट उधार के नाम पे ना उनके बिजनेसेस ठप हो जाते हैं, एंड फिर वो उनका डिसहार्टनिंग हो जाती है, उनको डिसहार्टनिंग यानी उनका दिल जो है ना वो टूट जाता है, और कहते हैं नहीं मैं यार आज के बाद मैंने बिजनेस नहीं करना। ऊपर से क्या होते हैं, लोग उनको तंज करते हैं, बिजनेस स्टार्ट किया था बड़े फन्ने खान आए थे बंद कर दिए। सो डू नॉट, अपने को क्यों मारते हो यार, व्हाई आर यू पुटिंग योरसेल्फ इन अ बैड पोजीशन, अपने को एक कमजोर पोजीशन में क्यों डाल रहे हो? लर्न दिस, नेक्स्ट टाइम कोई आता है ना, आई डोंट केयर सगा मामा चाचा बाबा जो भी लगता है ना, आई एम सॉरी मैंने कैश दी थी, आप मुझे कैश दीजिए, कम कीमत में दे दूंगा, बट आई विल नॉट गिव इट टू यू, उधार पे नहीं दूंगा। एंड सीरियसली, ये छोटी सी चीज अपने में पैदा कर लेंगे ना, एंड योर बिजनेस विल फ्लरिश। एंड डोंट केयर, ये अपने को नहीं, जो मैंने 20,000 सेल कर दिया है, उस 20,000 पीछे एक दिन वाकई 20,000 हो जाएगी, बट आपके अच्छे अच्छे वाले कस्टमर होंगे। और एक और क्या होता है, मैंने कितने बिजनेसों को देखे यहाँ पे होता है कि वो जब उधार देने वाला होता है ना, जब एक तो लेता जाता है, एक टाइम आता है उसने इतना आपको ले लिया होता है अपना कॉन्फिडेंस में, इतना आपने उसको भरोसा ये मिल जाएगा, वो फिर एकदम बड़े सी रकम का उधार लेता है एंड फिर वो गायब हो जाता है, दी एंड। वो जो
कस्टमर रोजाना छोटा छोटा आइटम लेता है और कैश देता है ना, ही इज लाख दर्जे बेहतर देन द वन बिग बायर जो उधार लेता है। ठीक है, मैं हूं आजाद चायवाला, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूं एंड आई होप कि आप इसको एडवाइस को याद रखेंगे एंड यू विल एक्चुअली यूज इट। अगर आपका कोई रिश्तेदार है, ट्राई टू मेक हिम वॉच दिस वीडियो बिकॉज़ ज़ाहिर है उसका फायदा होगा। एंड फिर एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उधार वापस कैसे लेते हैं एंड है ऊट पटांग किस्म का तरीका, बिजनेस आइडिया भी है उसमें, बट मेरे ध्यान में आया सो आई विल शेयर विद यू। पसंद आया ना पसंद आया मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अस्सलाम वालेकुम। अब उसको देखते हो मैं मार्टी के साथ।